तो वी जस्ट नीड टू सम सीरियस टॉपिक्स। अच्छा सब लोग रुके हुए हैं क्या? तो जितने भी 1 मिलियन या फिर 1K, 100K, 50K सब्सक्राइबर्स वाले चैनल से। हेलो एवरीवन, जस्ट मैं अभी सो के उठा हूँ। अभी तक मैंने ब्रश भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। अभी बज रहे सुबह का 9 बजने वाला है, तो अभी तक मैं उठा ही हूँ सिर्फ। जस्ट अभी ब्रश भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। तो देखता हूँ दोस्त क्या कर रहा है। तो अगर तुम लोग सोच रहे हो कि ये कैसे जगह से सो के उठा, तो ये देखो मैं यहाँ पे नीचे सोया हुआ था। हम लोग का बिस्तर है, रूम है, बेड है, लेकिन मैं वहाँ पे नहीं सोया था, यहाँ पे सोया था, क्योंकि बहुत गर्मी है और यहाँ से ये चारों तरफ खुला है ना खिड़की सारा, ये बहुत हवा आता है, तो इसलिए मैं खुला जगह में हम लोग सोते हैं। हम लोग को मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, जो हम लोग का जो रूम है, मतलब जहाँ पे बेड है, हम लोग का बेड है, रूम है, मतलब वो रूम दिखाता हूँ। चलो देखो, ये हम लोग का बेडरूम, ये एक बेड है, वो एक बेड है। उस पर हम लोग दोनों भाई लोग सोते हैं, इसमें कोई नहीं सोता हम लोग। और ये हम लोग का अलमारी है, जिसमें हम लोग कपड़ा वपड़ा भी रखा है कुछ। और ये मैंने अभी खोल के रखा था, इसको बंद कर देता हूँ। और ये हम लोग का खिड़की एक है, खिड़की से एक मेरा भाभी भी है, बहुत सुंदर सा। ये भाभी का खिड़की खुला हुआ है, लेकिन अभी दिखाई नहीं दे रहा भाभी। उसके बाद में ये रहा हम लोग का दूसरा एक खिड़की। अभी नीचे जाता हूँ और उसके बाद जाके मुँह धुला के हो गया मेरा। अभी मुँह बहुत ही साफ क्लीन दिखाई दे रहा होगा। तो अभी तो सुबह से कुछ खाया नहीं, वैसे ब्रश ही किया है, मुँह ही धुलाया है। तो देखता हूँ क्या बनाया है मेरे भाई ने। किचन में आ चुका है। तो ये है कुछ हरा मिर्च, नींबू और ये प्याज। उसके बाद ये फूल गोभी, चावल बना लिया। उसके बाद ये क्या बनाया है, अच्छा दाल बनाया है। और इसमें भी कुछ सब्जी शायद बिठा दिया है, देखते हैं क्या है ये। और पत्ता गोभी का सब्जी है ये। और सुबह से मैंने कुछ नहीं किया है, ये इसी ने बनाया है। अभी मैंने देखा था, मैं जस्ट उठा हूँ सिर्फ, तो खाना बनाया इसी ने है पूरा। और मैं बनाता भी नहीं हूँ, और इसे पता नहीं कि वह स्टोव में बनाया है, इसको गैस मिला हुआ है, गैस में नहीं बनाया है, वो उसका मर्जी है। उसके बाद खाना खाने के बाद मिलते हैं। देखा मेरा 1 मिलियन रूम टूर, ये मेरा $1 मिलियन रूम टूर। खाना बन के रेडी नहीं होता तब तक मैं तुम लोग का, हम लोग का रूम टूर देता हूँ। 1 करोड़ रुपये का रूम टूर है भाई। ये है एक खिड़की है, जहाँ से हम लोग बाहर का नज़ारा देख सकते हैं। जब कभी कभी मैं यहाँ पे बैठ के, इस जगह पे बैठ के उस बाहर का नज़ारे का मज़ा लेता हूँ। उसके बाद और एक हैंग आउट करने का जगह है मेरा, जब मुझे किसी सीरियस टॉपिक में वीडियो बनाना होता है, तो मैं इस किचन में आ जाता हूँ। किचन में आके ऐसे यहाँ पे खा होकर मैं बहुत ही सीरियस टॉपिक में वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। ये एक जगह है, उसके बाद फिर और एक मेरा है हैंग आउट। थका हारा व्लॉगिंग करके मैं आता हूँ, गर्मी लग जाता है, तो मैं इस जगह में बैठ के चिल करता हूँ। तो ये चिल करने का कौन सा बेस्ट तरीका है, ये कैसा जगह है जहाँ पे मैं बैठ के चिल करता हूँ, तो देख लो। सामने ये खुला गली, उसके बाद में इस तरफ खुला गली, उसके बाद में ये बिल्डिंग। लेकिन जो भी हो, यहाँ पे बहुत बढ़िया चिल करने का बहुत बेस्ट प्लेस है, तो यहाँ पे बैठ के हम लोग चिल करते हैं। और चिल करने का सिर्फ यही एक जगह नहीं है, और भी जगह है हम लोग के पास चिल करने। बहुत ज़्यादा थका हारा हो जाता है और मच्छर काटता है शाम के टाइम में, तो हम लोग इस छत पे आ जाते हैं। तो इस छत से नजर आ चुका हूँ मैं छत। तो ये जो है पहाड़, ये है रूपनगर भांगागढ़ का पहाड़। और वो जो टावर दिख रहा है, वो है टीवी टावर, जो कि गुवाहाटी में फेमस है, सबको पता होगा। उसके बाद में ये है होटल ग्रैंड वे। उसके बाद ये बिल्डिंग दिख रहा है, ये वाला DY365 जो न्यूज़ चैनल है ना, उसका ऑफिस है वो। और इसके बाद में ये सारा अपार्टमेंट, ज़्यादातर पहाड़ी पहाड़, बहुत अच्छा नज़ारा है यहाँ का। और यहाँ पे आके हम लोग अक्सर चिल करते रहते हैं, चल जस्ट चिल। तो यही हम लोग का चिल करने का जगह है। तो बाय। तो सब लोग रुके हुए हैं क्या? अरे कुछ नहीं, मैं जब टी शर्ट पहनने के लिए गया था, मैं टी शर्ट पहन के आया हूँ। तो वी जस्ट नीड टू सम सीरियस टॉपिक्स। तो जितने भी 1 मिलियन या फिर 1K, 100K, 50K सब्सक्राइबर्स वाले चैनल से, इवन 2K जिनके 2000 भी सब्सक्राइब्स है, वो चैनल जो छोटे मोटे चैनल्स होते हैं, इनके चैनल्स में विजिट नहीं करते हैं। हम लोग छोटे मोटे चैनल वाले हैं, हम लोग बड़े बड़े चैनल्स में जाते हैं, उनका वीडियोज़ देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं, लेकिन वो लोग कभी भी हमारे चैनल्स पर नहीं विजिट करते। तो हम लोग को एक नया फॉर्मूला यूज़ करना चाहिए। जितने भी नए और छोटे यूट्यूबर्स हैं, तुम मेरे चैनल पे आओ, मैं तुम्हारे चैनल पे जाऊंगा। तुम मुझे सपोर्ट करो, मैं तुमको सपोर्ट करूंगा, ठीक है। तुम मेरे चैनल में आओ, मेरे वीडियोस देखो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, फिर मैं कमेंट देख के तुम्हारे चैनल पे जाऊंगा, तुम्हारे वीडियोस देखूंगा, तुमको सब्सक्राइब करूंगा, तुमको कमेंट करूंगा। तो हम लोग को एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलना पड़ेगा। जैसे कि फेसबुक में मैं अगर तुमको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता हूँ, तुम एक्सेप्ट करते हो, तो हम दोनों फ्रेंड बन जाते हैं। तुम मेरा पोस्ट देखते हो, मैं तुम्हारा पोस्ट देखते हो, लेकिन फेसबुक में कुछ फ़ायदा नहीं होता है। तो यूट्यूब को हम एज ए फेसबुक की तरह यूज़ क्यों ना करते हैं, एक दूसरे को क्यों ना सपोर्ट करते हैं। अगर मेरा ये आइडिया पसंद आया, तो ज़रूर मेरी इस वीडियो को लाइक कर दो,
शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कर दो, अपने दोस्त को भी, दोस्त लोग को भी बताओ कि एज ए क्रिएटर मैंने तुम लोगों को एक सजेशन दिया, अगर पसंद आया तो ये सजेशन को यूज़ करो, एक दूसरे को सपोर्ट करो। बड़े बड़े यूट्यूबर्स के वीडियो में नीचे जाकर कमेंट्स करने का कोई फ़ायदा नहीं, वो लोग नहीं आएंगे, वो लोग को मिल रहा है महीने का मोटा पैसा, ठीक है। तो हम लोग क्रिएटर्स लोग एक दूसरे को सपोर्ट करके चलना पड़ेगा, तो सपोर्ट करो एक दूसरे को। तो अभी मेरा खाना बन चुका है, मैं जा रहा हूँ खाना खाने के लिए, तुम लोग सोचते रहो, सब्सक्राइब करते रहो, जब तक खाना खाता हूँ मेरा वीडियोस को देखो और सब्सक्राइब करते रहो और शेयर करते रहो, कुछ भी करते रहो।